राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग, ठीक ठाक ही होंगे जब भाई ब्लॉग देख रहे हो। तो तुम लोग सोच रहे हो आज मैं चमक रहा हूँ। भैया मेरा सेविंग करवा ली है, दो नंबर मशीन लगवाई है, तो दाढ़ी बनवा लिया, हमारा मेरा चेहरा चमक रहा है। और हमारे सुबह से ही बारिश हो रही है आज, अरे नोएडा में तो ऐसी बारिश होती रहे, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तमाम कि आज घर ही ब्लॉग बना लूँगा। जैसा आज ठंडा मौसम है तो कुछ पकौड़ी बनी होगी सबके घर में। हमारे घर में बनी है पुदीना की चटनी और रोटी। इन्वर्टर है, 5-स्टार इन्वर्टर मंगवाया, बहुत महंगा। आज वहाँ भी नू कह दी मुँह में इतनी पावर ना जो तो मैं पूरे दिन सुहा दूँ मैं अपनी बैटरी से। तो हमारा जो इन्वर्टर डाउन होगा, पंखा बंद होगा, जनरेटर लेना पड़ेगा। आज बीजने की, हम जो बीजना रहे ना हवा करने का, आज वाकई अहमियत समझ में आ रही है। तो क्या कहना चाहते हो आप, हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया, क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो? हमारा कुत्ता भी कह रहा है कि मैं कहाँ गरीब घर में आ गया जो लाइट भी ना है, इन्वर्टर भी डाउन हो रहा हो। गाइस तो भाइयों, जैसा कि बारिश हो रही है सुबह से ही, तो मेरा होगा भैया दूध लाने का टाइम। मन की कहा है स्कूटी ले जाऊँ, गाड़ी ले जाऊँ, तो मैं दूध लेने आ गया यूरो डिब्बी। क्यों भीगू मैं बारिश में भाई, जब गाड़ी है घर में, गाड़ी से जाएंगे दूध लेने। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर घर में गाड़ी है तो गाड़ी का इस्तेमाल करें बारिश में, स्कूटी बाइक ना ले जाए, ना पैदल जाए, गाड़ी का प्रयोग करें। ओहो तो भाइयों, ये हमारी गाड़ी है जो हमने 2 साल पहले बेच दी ही, 2 साल बाद देखने को मिली है हमारी गाड़ी, क्योंकि हमारे सारी गाड़ी का नंबर 10-22 है। तो दूर से पहचान ले भैया 10-22 गाड़ी है। तो जब बेची हमने, हालत ठीक है गाड़ी की, अब जो देखे गाड़ी की हालत इतनी पहले जैसी ना हो, रेड लाइट ना होने की वजह से पब्लिक इंगे तिंगे भागती हुई। अरे प्योर घी, पनीर मिलता है यहाँ पे एकदम प्योर, ताजा पनीर, देसी घी, घर का पनीर मिलता है। भैंस तो भतीजी, भैंस की कमी ना हो, कमी नहीं है। तो मैं गाड़ी से आया, मैं दूध लेना, इतना महंगा आदमी हूँ मैं। हमारे गांव की नहर है, अब यहाँ में जो है भराव कम हो रहा है, बहुत ही पवित्र नहर है हमारे गांव की। हमारे गांव की ना बेशक पूरे यूपी की बहुत ही पवित्र नहर है। अब एक बार नहाने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो जरूर आइयो, जरूर नहीं हो छुट्टी मनाना चाहिए, नहर में नहा लीजो। भाप बढ़ रहे जाता ही है ना, भाई आज हमारे पूरे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज चंद्रयान 3 पहुंच चुका है दोपहर के टाइम, तो बहुत ही खुशी की बात और गर्व की बात है। और बधाई हो हमारे पीएम मोदी जी और वैज्ञानिकों जो इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है आज, बहुत तरक्की करेगा हमारा भारत देश। जय भारत माता की जय। चिंते भाई कल के ब्लॉग में, तब तक को गुड नाइट, रोम रोम।